वेल वेल वेल, कौन कौन देखना चाहेगा कैरी मनाठी के लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन, तो मेरे साथ बंधे रहिए। मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। कैरी मनाठी और टिकटॉक का चोरी दामन का साथ मोहब्बत का नहीं, हेट का, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं या रोस्ट किए हैं कैरी मनाठी ने, किसी और यूट्यूबर ने नहीं किए। उनके मीम्स और जिस तरह के वो वीडियो सिलेक्शन करते हैं अपनी रोस्टिंग के लिए, लाजवाब यार, अनबिलीवेबल। और जिस तरीके से वो करता है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ होती है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ होगी इस नए वीडियो पर भी। तो मैं आप लोगों को अभी से ही एक डिस्क्लेमर, एक वार्निंग देना चाहूँगा कि जब मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं पसंद, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी डिफरेंट वीडियो पे स्विच कर जाएं, लेकिन मेरे ही वीडियो पर। थैंक यू। तो कैरी मनाठी का ये वीडियो है टिकटॉक एवोल्यूशन 2019। तो बिना कोई टाइम ज़ाय किए आइए कैरी मनाठी का ये वीडियो देखते हैं, साथ साथ में रिएक्शन भी देते जाऊंगा और रिव्यू भी करेंगे। पापा, ओ पापा। क्या बे? पापा मुझे टिकटॉक के लिए नया फोन चाहिए। नहीं। पापा दिलवा दो ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। निकल लौड़े। मैंने बोला था ना मैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो प्लीज सॉरी बाबा। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने लिए नए कपड़े लेने गया था, क्योंकि फैशन का दलवा यार मुझे भी दिखाना है। खैर मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, एक 4 साल की बच्ची अपने मम्मी के फोन पे टिकटॉक देख रही है। 4 साल की बच्ची। उस बच्ची के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यू ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला बारी नहीं आ रहा, एक नया दौर आ चुका है जहाँ छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। और कोई दिन की बात है, टिकटॉक इस देश का राष्ट्रीय ऐप घोषित कर दिया जाएगा, तब सब लोग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह वाह। ठहराओ, अपने फोन से ये कब्ज हटाओ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। What the hell is this? चलो भाई, इसकी होने वाली है ठीक ठाक धुलाई। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जब इसके घर लाइट जाएगी, तब इसके बालों में आग लगा दी जाएगी, फिर ये भोसड़ी का मशाल बन के घूमेगा। ओ एक और नमूना भाई। डगमग 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 सी तुम्हारी चाल है। ये मछली धरती पे कैसे आई? मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई धरती पे तैरने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये वीडियो खत्म हुई ना, ये चलबिन मछली वापस पानी में कूद गया। भाई वीडियो डाल दीजो, मैं जा रहा हूँ, आकोमीन ने पंचायत बिठाई है। ओह माय गुडनेस। हाय हाय, माशाल्लाह ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया सिवाय मेरे नंबर के। फुल टाइम ठहरकी है भाई। अब दुकान पे ध्यान दो, कपड़े नहीं बिक रहे तुम्हारे। और ये कैसा स्वैग है, ऐसा करके नाक संगते लो, ये लड़कियां फ्लैट कर रहे हैं। अरे बस, ये क्या खाया इसने? गले में च्युइंगम अटकी है या लौड़ा, ये कैसे चूत बना रहा है? भाई को ब्लू बॉल्स हो गए हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दो। सिर्फ एक फोटो रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हिलाते वक्त मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। What the hell is this? ये चीज क्यों रहा भाई? भाई रुक जा, जिंदगी में मोहब्बत के अलावा और कुछ है नहीं क्या? कि भैंसों में इनकी तरह क्यों बात कर रहा हूँ यार, मेरे से उठ के ही चला गया वो। ये हो गई बस। ओहो, ये तो एक्सट्रीम है भाई, हाथ टूटा भाई। कहते हैं डेडिकेशन, हाथ टूटा हुआ तब भी मान ले रहा है। बंदा ऐसे ठुमके लगा रहा जिसे देख के शिल्पा शेट्टी भी कहेगी भाई तू कर ले पहले। दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे? अरे अपनी जैसी। अरे रॉन्ग वीडियो सिलेक्ट कर लिया भाई। क्यों? आई होप नथिंग रॉन्ग। कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। ये लॉन्डे डिज्नीलैंड में जीते हैं, मतलब एक अगर अपने आप को गोली मारेगा तो दूसरा भी मारेगा। इसे दोस्ती में चूतियापा कहते हैं। चलो भाई, फैजू के फैंस आ गए अभी, इसकी बैंड बजाएंगे। एक ही जाता है कि भाई तेरी तरफ से मैं हो आऊंगा। इसके बारे में मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको। एक कहां से आते हैं यार ये लोग?
फिर तो तुम चूतिया हो ना, क्यों कर रहे हो इंतजार? अपना मनु शरीर उठाओ और हलवाई के पास जाओ। अरे भैंसो को ड्रिप चढ़ाओ यार इसके, परसों ही मर जाएगा ये। हमें बादशाह बनने का कोई शौक नहीं, अपने शौक पहले से बादशाह जैसे। अरे बादशाह तो देखो, अरे ओ बादशाही लंड नहीं, एक बादशाह का यही तो शौक होता है, ईंट की दीवार पे चढ़ के अपने घुटने ऊपर नीचे करना। यार अगर खेतों में भी टिकटॉक बनेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? कह मुझे आए बच्चों, बस यही देख के तो बुरे सपने आते हैं। बारबी का नया एडिशन निकला है, लंडधारी बारबी, और इस एडिशन में बारबी की मूछें भी हैं। फिलहाल ये बारबी दुबई में किसी शेख के नवाबी शौक पूरे कर रही है। मौत से डर नहीं लगता मुझे, इसको तो देख के खुद डर लग रहा है। ऐसे करके टिकटॉक बनाई जा रही है, ये गरीबों का जय देवगन पत्थर खाता है, साला इसके दांतों में कोई स्वच्छ भारत अभियान चला। अरे वाह, ये तो मैजिक है। इन दफा ना उन्हें पाते मोटे लोंडों के साथ यही होता है यार, जब वो दोस्त के सामने होते हैं तो पूरी तोंद दिखाते हैं, लेकिन जैसे कोई लड़की आए। I like the sound effect. चलो भैया ये क्या करने वाला है? कैसा सा देसी बंदा यार जिसे तू डेट कर रही है। अरे यार चलने देना, जब तक चल रहा है एटलीस्ट तो मेरा खतरा तो उठा रहा है। वाह भाई वाह, इसी में क्या समझती थी, ये तो स्वैगस्टर निकला। वो कहते हैं ना पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस केस में पैसा कुछ नहीं कर सकता। शक्ल ही थूके हुए पीस जैसी है, तो चाहे कितना ही सजा लो शाहरुख खान नहीं बन जाओगे। इसको तो दोहरा पड़ गया भाई। अरे यार ये वीडियो देखता कौन है, उनको मिलियन व्यूज मिले होते हैं। दिल ऐसे टूटते जैसे घर में कांच के ग्लास। और अब क्यों रो रहा है यार, अब तो बैन भी हट गया, मुझे लगा थोड़ी खुशी आएंगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या। सही बात है, खैर ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बकचोदी करते रहेंगे और हम इनकी खिल्लियां उड़ाते। I like his ending. इसी के साथ आज the way he closed the video. अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स हो गए ना, 1 मिलियन लाइक्स टिकटॉक अकाउंट डिलीट मिल सकते हैं भाई। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या फिर चुटाई, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, एसी नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, लोड़े लगे पड़े भाई। अपने साथ भी यही हाल है। कैरिब में आते, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे सपनों के बादल क्यों पर रसते नहीं, समझ तारों में से भी कुछ समझ नहीं। अभी कुछ बाकी है, जैसे आलू डालने पे सोना निकलता नहीं। यस रेकेगी प्यागी प्यागी गोखिया, जग पाए मुझे सारी रखिया। अरे के मुंडन बेटे आ गया गे तो स्कूल से वापिस। बेटे मैं तो ये सभी का भाभी का प्रोग्राम, ये 500 रुपए किसी को बताइयो मत, जाके गांव में बेइज्जती हो जाएगी। हो मैं हंस हंस के पागल हो गया। रिएक्शन तो आप लोगों ने मेरा ड्यूरिंग द वीडियो देख ही लिया होगा, एवरी सिंगल मीम और उसके बाद जो उसको रोस्ट किया है, वाव। कैरी मनाडी का जो माइंड चलता है ना रोस्टिंग में, आई थिंक नो वन कैन बीट दैट। ऐसे ऐसे वीडियोस निकाल के लेकर आता है कि बस बंदा परेशान हो जाता है, इसको कोई देखने वाला भी है या ऐसे वीडियो देखता कौन है। एक्चुअली अगर आप टिकटॉक पे जाओ, क्योंकि मेरा अपना भी अकाउंट है, इस तरह के जो भी स्टूपिड और क्रेजी वीडियोज़ है ना, जिनका कोई ना लॉजिक होता है ना कोई मकसद होता है, बस उसके ऊपर मिलियंस एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ होते हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं उसके। अब वो देखो खाम का वो चिंगम खा के उसको बोलते हैं उसके गले में चिंगम फंसी है या उसके बाद वो चीखे मार मार के धाड़ धाड़ के रो रहे, क्यों रो रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में? माँ बाप बहन भाई और दोस्त यार जितने भी रिश्ते हैं सब ख़त्म हो गए हैं, ऐसे मोहब्बत ही रह गई। ठीक ठाक बैंड बजाइए। और एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब उसने बोला कि टिकटॉक को जो है क्या बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रपति ऐप करार दे दिया जाए, यानी कि नेशनल ऐप उसको घोषित कर दिया जाए, और फिर उसके बाद मोदी जी का मीम डाल दिया उसने, तो हो सकता है थोड़ा सा उसके ऊपर भी ट्रोल हो। सबसे ज़्यादा ट्रोल किस बात पे होने वाला है, वो जो फैसू का मीम, उसको रोस्ट किया है।
मैंने रिसेंटली जन्नत और फैसू का एक सॉन्ग आया था, उस पर मैंने रिएक्शन दिया था। उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि जन्नत ने जो है पूरा गाना अपने कंधे पर उठा लिया और फैसू थोड़ा सा मुझे लूज़ लगा। बस उसके बाद जो मुझे हेट मिला है और गालियाँ मिली हैं भाई, उसको उसकी ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे इतनी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है, स्पेशली गर्ल्स, और बॉयज़ भी ठीक ठाक उसके बारे में भाई पागल हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसको हेट मिले फैसू के फैंस की तरफ से, मगर इसने कोई गलत बात तो नहीं बोली। एनीवेज एक और बात मैं कहना चाहूँगा, वो जो शुरू में उसने कहा था कि 4 साल की बच्ची है और उस वो टिकटॉक देख रही है और वो ऐसे गर्दन हिला रही है, ये सिग्नेचर मूव है आई थिंक टिकटॉक का। आपका ज़्यादातर देखो जो इस तरह के फजूल मीम्स है ना, उसमें ये इसी तरह गर्दन हिला के तेरी प्यारे प्यारी दो अखियां, फिर उसके बाद कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो 4 साल की बच्ची है, उसको माँ बाप ने मोबाइल पकड़ा दिए, आजकल मोबाइल भी 6-6, 7-7 इंच वाले हैं भाई, बड़े बड़े मोबाइल हैं, बिग स्क्रीन्स वाले, अगर उसके हाथ में भी नहीं आ रहा और बच्ची लगी हुई है टिकटॉक के ऊपर, ये तो हाल है हम लोगों का। खैर टिकटॉक को जितना इसने बताया कि यस इट इज़ अ बीमारी, टिकटॉक इज़ अ बीमारी, इज़ बिकमिंग अ बीमारी नाउ, मैंने भी ठीक ठाक वीडियोस बनाए थे जब इनिशियली आया था पिछले साल टिकटॉक, लेकिन बाद में मुझे जल्द ही रियलाइज़ हो गया भाई ये बीमारी है, इससे दूर ही रहो। 8 या 9 मैंने वीडियोस बनाए थे, वो मीम्स ही थे, जस्ट लिपसिंग थी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, बट उसके बाद मैंने नहीं बनाया। मेरा अकाउंट अभी भी है, कैरी मुनाडी ने चैलेंज दे दिया अगर 1 मिलियन उसके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो अपना टिकटॉक का अकाउंट जो है वो डिलीट कर देगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसको कंटेंट ठीक ठाक प्रोवाइड कर रहा है टिकटॉक, और उसके वीडियोज़ जो एवरी मंथ आते हैं या 4-5 वीक्स के बाद आते हैं उसको ठीक ठाक कंटेंट देता है। आई डोंट थिंक सो इज गोना डिलीट, मे बी के दोबारा बना ले। एनीवेज उसको मिलियन व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे। दैट्स इट गाइस, मेरा रिएक्शन बस यहीं तक था। अगर आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने फीडबैक के ज़रिए, और मुझे ये बताइएगा आपको ये रिएक्शन कैसा लगा या रिव्यू जो भी आप समझो उसको, क्योंकि मैं सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, मैं रिव्यू भी करता हूँ, मैं उसके बारे में बात भी करता हूँ, तो कम्प्लीटली जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है मेरे वीडियोज़ के ज़रिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, टिकटॉक से दूर रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।